कैसे आप सभी आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने प्रेगनेंसी का बहुत ही अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे नौवें महीने में गर्भवती महिला खुद ही कैसे पता करे कि बेबी ने सिर नीचे कर लिया है, बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया है और आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल ही होगी। क्योंकि सभी महिला चाहती है कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो, उसके लिए आपको कुछ सिम्टम देखते हैं एंड बेबी का हेड डाउन पोजीशन में आना बेहद जरूरी होता है, तभी आपका नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए पहले आपको कुछ सिम्टम देखते हैं, जैसे कि बेबी के हेड डाउन पोजीशन में आया है या नहीं आया है। तो आप कैसे पता करेंगे नौवें महीने में कि बेबी ने आपका सिर जो है नीचे किया है नहीं किया है, हेड डाउन पोजीशन में आया है या नहीं आया, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आप प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी कंसीव किए हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर और सही जानकारी मिल सके और आप जान सके कि आपका बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है और आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार है। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी चल रही है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नौवें महीने में आपको कुछ सिम्टम दिखते हैं जिससे आप अनुमान लगा लेते हैं, खुद ही जान जाते हैं कि आपका बेबी ने सिर नीचे कर लिया है। सबसे जो पहला सिम्टम आपको दिखेगा आपका पेट का आकार, उससे आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि आपका बेबी ने सिर नीचे किया है या नहीं किया है। जैसे मान लेते आपका पेट का जो शेप है बिल्कुल अंडाकार शेप में है या बिल्कुल यानी कि नोकीला शेप में है, पेट का जो आपका आकार है वो बिल्कुल नीचे की तरफ, अगर आपका पूरा वजन आ गया है पेट, जैसे मान लेते पेट का जो पूरा वजन है नीचे की तरफ आ गया है, पूरे पेल्विक एरिया पे आ गया है वजन भार, तो समझ जाइए कि बेबी ने हेड डाउन पोजिशन कर लिया है, बेबी का सिर नीचे आ गया है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने की ज्यादा चांस है। सेकेंड जो लक्षण दिखते हैं इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है, जैसे कि आपको पेल्विक एरिया में हल्का फुल्का दर्द होना, चुभन होना, ऐठन होना, मरोड़ टाइप आपको इस तरीके से लगेगा, तो भी आप समझ जाइए कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है, हेड डाउन पोजीशन में बेबी आ गया है। बहुत ही सटीक सिम्टम है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स आपको ये भी दिखते हैं कि अगर आपको बैक पेन की समस्या हो रही है, बार बार आपको बैक पेन हो रही है या बार बार आपको यानी कि एक होता है ना कि बैक पेन जब होता है तो चुभन जैसी हो रही है, बार बार आपको अकड़न जैसी लग रही है एंड पेल्विक एरिया में दर्द भी हो रहा है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका बेबी सिर हेड डाउन पोजीशन में आ गया, यानी कि बेबी ने सिर नीचे कर लिया है। ये सारे जो सिम्टम है बेबी के हेड डाउन पोजीशन में आने की है। सबसे लास्ट सिम्टम जो आपको बहुत ही सटीक सिम्टम्स है एंड आपको दिखते हैं कि आपका पेल्विक एरिया में दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, ऐठन हो रहा है, आपको मीठा मीठा दर्द होता है, ज्यादा आपको पूरा जोरों का दर्द नहीं होता है और आपका पेट का जो पूरा वजन है नीचे आ जाता है एंड आपका पूरा भार पेल्विक एरिया पे पड़ जाता है, आपको उठने में बैठने में तकलीफ होती है, बार बार आप यूरिन पास करने जा रहे, तो भी समझ जाइए कि आपका बेबी हेड डाउन पोजिशन में आ गया है। जब आपको बार बार पेल्विक एरिया से पानी पास होने लगे तो समझ जाइए कि आपका पानी की थैली फट गया है, तो उस समय आपको बिना देर के हुए तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बिना देर के हुए तुरंत आपको डॉक्टर के पास भागना चाहिए, क्योंकि पानी की थैली फटने से गर्भ में पल रहे शिशु को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है एंड आपको डॉक्टर तुरंत आपको डिलीवरी यानी कि सीजन डिलीवरी की सलाह देते हैं या नॉर्मल डिलीवरी जो भी होती है आपको कराई जाती है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है एंड नॉर्मल डिलीवरी होने से नौवें महीने में आपको सारे टिप्स दिखते हैं, लेकिन कुछ भी करने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें, क्योंकि बिना डॉक्टर के सलाह के आप कोई भी टिप्स फॉलो ना करें ना ही कुछ करें। अगर आपको प्रेगनेंसी जर्नी में कुछ भी होती है परेशानी तो पहले एक बार आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, किसी का भी वीडियो देखकर या कुछ भी देखकर आप कोई भी टिप्स फॉलो ना करें या कोई भी कदम ना उठाए बिना डॉक्टर के सलाह के, क्योंकि आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जो भी वीडियो आपके साथ शेयर किया जाता है वो अपने लोग अपना प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करते हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना आपकी